बच्चेदानी के मुंह खुलने के संकेत या लक्षण, नौवे महीने में डिलीवरी के कुछ सप्ताह या एक महीने पहले क्या होते हैं, एक दिन पहले क्या होते हैं और डिलीवरी के दिन यानी कि डिलीवरी से चंद घंटे पहले आखिर क्या लक्षण उभर कर सामने आते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से अपनी सभी व्यूअर्स के साथ मैं डॉक्टर श्रुति बतौर गायनेकोलॉजिस्ट एक डॉक्टर की नज़र से ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करूंगी। वीडियो की शुरुआत में आप सबको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर विश्वसनीय मेडिकल जानकारी आप एक डॉक्टर के माध्यम से प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं तो ध्यान से इस चैनल डॉक्टर श्रुति कॉर्नर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि अपने इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर श्रुति कॉर्नर पर भी मैं हेल्थ रिलेटेड टिप्स, एडवाइस और शॉर्ट वीडियो शेयर करती हूँ, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही जो व्यूअर्स मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेने के लिए इच्छुक हैं उसके लिए भी ये नंबर यहाँ पर अवेलेबल करा दिया गया है। सबसे पहले मैं आपके साथ बताना चाहूंगी कि आखिर डिलीवरी के प्रोसेस में बच्चेदानी का मुंह खुलने का या सर्विक्स के ओपन होने का इम्पोर्टेंस क्या होता है, महत्ता क्या होती है। तो नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस में अगर सारी कंडीशंस फुलफिल्ड हों, सारी प्री रिक्विजिट्स फुलफिल्ड हों, उससे तात्पर्य यह होता है कि आपके लेबर पेंस डिलीवरी के नौवें महीने में या मेडिकल भाषा में 37वें हफ्ते के उपरांत शुरू हो रहे हों, बेबी का हेड पेल्विस में, माँ के पेल्विस में नीचे की तरफ हो, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यानी बच्चेदानी के संकोचन अच्छी तरह से आ रहे हैं, इसके नतीजतन जो सर्वाइकल ओपनिंग या बच्चेदानी का मुंह है वो ठीक तरीके से खुल रहा है, लेबर ठीक तरीके से प्रोग्रेस करते जा रहा समय के साथ और माँ या बच्चे किसी में भी कोई अन्य कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रहे हैं, तो इन सारी कंडीशंस के फुलफिल होने पर आपके नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ अगर आपके बच्चेदानी का मुंह ठीक तरीके से खुल रहा है, जो आपके डॉक्टर असेस करके बता सकते हैं, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। वीडियो की शुरुआत में मैं सबसे पहले आप सबको बताना चाहूंगी कि हमारी मेडिकल भाषा के अनुसार नॉर्मल डिलीवरी की चार स्टेजेस होती हैं और वो चार स्टेजेस क्या होती हैं। स्टेज वन ऑफ लेबर की शुरुआत होती है ट्रू लेबर पेन से और लेबर पेन के नतीजतन जब सर्विक्स की ओपनिंग सॉफ्ट होने लगती है और सर्वाइकल ओपनिंग खुलने लगती है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह जब खुलने लगता है और जब सर्वाइकल डायलेटेशन पूरी तरह से हो जाए, 10 सेंटीमीटर तक सर्वाइकल डायलेटेशन हो जाए, बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह से खुल जाए, तब स्टेज वन की समाप्ति समझी जाती है। जो महिलाएं पहली बार डिलीवरी के प्रोसेस से गुजर रही हैं उनमें ये स्टेज वन ऑफ लेबर तकरीबन 12 से लेकर 16 घंटे तक हो सकता है, लेबर पेन से आपको 12, 16 या 18 घंटे तक भी आ सकते हैं। वहीं जो महिलाएं पहले एक बार डिलीवर कर चुकी हैं उनमें अक्सर ये स्टेज वन ऑफ लेबर 8 से लेकर 12 घंटे तक रहता है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की शुरुआत होती है कि जब सर्वाइकल ओपनिंग पूरी तरह डायलेट हो गई, 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो गया, जब बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह खुल गया है, नतीजतन जब बच्चा वजाइनल ओपनिंग के माध्यम से बाहर आ जाए, यानी कि सर्वाइकल ओपनिंग से होने से लेकर बच्चे की डिलीवरी तक के प्रोसेस को स्टेज टू कहा जाता है। और जो महिलाएं पहली बार डिलीवर कर रही हैं उनमें ये स्टेज तकरीबन 1 से लेकर 2 घंटे तक हो सकती है। जो महिलाएं पहले भी इसके पहले डिलीवर कर चुकी हैं उनमें सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक हो सकता है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर से तात्पर्य होता है कि जब बेबी की डिलीवरी के उपरांत यूट्रस से प्लासेंटा और नाल यानी कि आंवल नाल भी बाहर आ जाए, ये स्टेज तकरीबन 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक भी हो सकती है। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर यानी कि बेबी और प्लासेंटा की डिलीवरी के उपरांत माँ की कंडीशन को 1 घंटे तक अच्छे से वॉच करा जाता है कि माँ के पल्स, बीपी, सारे वाइटल्स अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं, माँ को कोई अन्य कॉम्प्लिकेशंस, ब्लीडिंग उभर कर सामने तो नहीं आ रही, ये स्टेज 1 घंटे तक रहती है। अभी तक आप सबने नोटिस करा होगा कि मैं वीडियो में ये टर्म यूज कर रही हूँ ट्रू लेबर पेंस, तो क्या लेबर पेंस फॉल्स भी होते हैं? जी हाँ बिल्कुल। डिलीवरी के चंद सप्ताह पहले, विशेषकर प्रेगनेंसी के आखिरी के महीनों में, 7वें, 8वें या 9वें महीने में और विशेषकर आखिरी के समय में आपको कई बार पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन महसूस होगा और इसको लेकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहीं लेबर पेंस की शुरुआत तो नहीं हो गई है। लेकिन लेबर पेंस की खासियत होती है कि इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते, अभी आए फिर चले गए, फिर दिन भर में कभी कभार आ गए, इनकी वजह से कभी भी आपके सर्वाइकल ओपनिंग नहीं होगी, बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरुआत नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप आराम कर लेंगी या फिर कोई पेन किलर दवाइयाँ या इंजेक्शन ले लेंगी या कोई आपकी कमर की मसाज कर देगा या फिर अनीमा के माध्यम से अदरवाइज ऑल्सो आप मोशन पास कर लेते हैं तो फॉल्स लेबर पेंस भी स्वतः ही चले जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रू लेबर पेंस की। ट्रू लेबर पेंस की शुरुआत अक्सर ही प्रेगनेंसी के 8.5 या 9वें महीने में होती है। मेडिकल भाषा में 37वें हफ्ते के उपरांत अगर आपके लेबर पेंस की शुरुआत होती है
और ये जो लेबर पेंस होते हैं ये पीठ के निचले हिस्से से लेकर पेट के सामने के हिस्से में आते हैं और फिर थाइस के अंदरूनी हिस्से में नीचे की तरफ मूव आउट करते हैं। समय के साथ साथ ये जो लेबर पेंस होते हैं ट्रू लेबर पेंस, इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। इंटेंसिटी यानी कि इनकी स्ट्रेंथ तीव्रता बढ़ती जाती है और फ्रीक्वेंसी यानी कि इनकी गति बढ़ती जाती है। पहले जहाँ ये लेबर पेन एक घंटे में एक बार आ रहा था वहीं अब आधे घंटे में आने लगेगा, फिर समय के साथ 15 मिनट में, फिर 10 मिनट में, फिर हर 5 मिनट और 2 मिनट में आने लगेगा। साथ ही साथ इनकी तीव्रता या स्ट्रेंथ इतनी होती है कि इसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, बहुत अनकम्फर्टेबल रहती हैं, इनटॉलरेबल लेबर पेंस होते हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, और ऐसी स्थिति में आप स्वयं ही डॉक्टर के पास तुरंत ही जाना चाहेंगे। साथ ही साथ आप ये भी नोटिस करेंगे कि जब भी आपको ट्रू लेबर पेंस आ रहे हैं उस वक्त आपका पेट कड़ा हो जाता है क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो ये जो ट्रू लेबर पेंस होते हैं ये डिलीवरी के एक दिन पहले या कई घंटे पहले इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है। वीडियो के इस हिस्से में हम समझेंगे कि डिलीवरी के चंद घंटे पहले या डिलीवरी के दिन बच्चेदानी के मुंह खुलने के और क्या लक्षण उभर कर सामने आ सकते हैं जिनको आप पहचान सकती हैं। तो जब सर्वाइकल ओपनिंग होने लगती है, लेबर कॉन्ट्रैक्शन स्टैब्लिश हो जाते हैं, बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है, तो आपको ब्लड मिक्स डिस्चार्ज भी हो सकता है, यानी वजाइनल ओपनिंग के माध्यम से आपको लालिमा लिया हुआ ये भूरे रंग का स्त्राव या डिस्चार्ज भी हो सकता है। इसके अलावा जो आपका बैग ऑफ वाटर्स होता है, पानी की थैली से तात्पर्य होता है एमनियोटिक फ्लूइड की एक थैली जिसमें बच्चा घूमता रहता है, सुरक्षित रहता है। तो जब लीवर पेन स्टैब्लिश हो जाते हैं, सर्विक्स ओपन होने लगता है, तो इस डिलीवरी के प्रोसेस में ये बैग ऑफ वाटर्स कभी भी रप्चर हो सकता है, फूट सकता है, जिसकी वजह से पानी का डिस्चार्ज होता है। तो अगर आप महसूस करें कि आपके वजाइनल ओपनिंग से पेशाब जैसा तरल पदार्थ आ रहा है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज बना हुआ है, वाटरी डिस्चार्ज है, खड़े होने पर भी डिस्चार्ज हो रहा है, तो इंडिकेट करता है कि आपका बैग वाटर रप्चर हो गया है। ऐसी स्थिति बिल्कुल भी घर में नहीं बैठे, तुरंत ही हॉस्पिटल जाकर अपने गायनेक से चेकअप कराएं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना समझा कि 9वें महीने में डिलीवरी के चंद सप्ताह पहले आपको फॉल्स लेबर पेंस आ सकते हैं और डिलीवरी के कुछ घंटे पहले ट्रू लेबर पेंस स्टैब्लिश हो जाते हैं। फिर जब बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है तो आपको ब्लड मिक्स्ड डिस्चार्ज हो सकता है, साथ ही साथ बैग ऑफ वाटर रप्चर होने पर आपको पानी की तरह डिस्चार्ज यानी वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है। ये सारी जानकारी को ध्यान रखिएगा अपने डिलीवरी के लक्षणों में, और अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो दूसरों तक शेयर करके उनकी भी जागरूकता बढ़ाइए। अपना लाइक अप्रिसिएशन जाहिर करने के लिए ध्यान से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर से जुड़े रहिए, वेलनेस चैनल टू हेल्प यू स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में अन्य ऐसी इंपॉर्टेंट मेडिकल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय फॉर नाउ, विल सी यू वेरी सून। बाय बाय।